जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी के घरों में माता रानी पधार चुकी होंगी। सब लोग अच्छे से नवरात्रि का पर्व मना रहे होंगे। त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास का है। मैं भी अपने घर में पूजा करती हूँ, बस माता रानी की फ़ोटो की पूजा करती हूँ। ज़्यादा नियम विधि तो नहीं करती हूँ, बस डेली रूटीन जो होता है सरल पूजा विधि से बस वही करती हूँ। बस माता की चौकी लगा ली है, वह उस पर फोटो रख लिया है अलग से, और बस डेली की पूजा करती हूँ। मैंने एकम का व्रत भी रखा था और दूसरे दिन का तो नहीं रखा था, पूरे 9 दिन नहीं रखती हूँ एकम। इस बार मैंने पहली बार रखा है एकम का व्रत और अष्टमी का रखूँगी। तो बस डेली पूजा हो रही है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और आज 22 बार करी तो आज है 7वां दिन। थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप निकाली थी, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। वैसे वीडियो बनाना तो मैंने बंद कर रखा है, बस शॉर्ट वीडियो ही डालती हूं और मेरी शॉर्ट वीडियो जा भी रही थी। तो बस घर में जो भी फल फूल ये लाते हैं या फिर मिठाई वगैरह जो भी, तो मैं पहले माता रानी को समर्पित कर देती हूँ, उनको भोग लगा देती हूँ। जितना मुझसे बन पड़ता है, जितना मेरा सामर्थ्य है, जो हो सकता है उस तरह से मैं हमेशा भोग लगाती आ रही हूँ। 7 दिन आज हमारा कंप्लीट हो गया, कल अष्टमी है और परसों नौमी। तो देखते हैं इस बार अष्टमी और नौमी में थोड़ा संशय है, तो जिस दिन सब व्रत करेंगे मैं भी उसी दिन करूँगी, 10 को या 11 को, इसी तरह से। तो बस सब कुछ हो गया अच्छे से, अकेले रहते हुए भी सारे काम फिनिश हो जा रहे हैं, सब माता रानी का आशीर्वाद है। पहला दिन थोड़ा लेट हुआ था, उस दिन भी स्कूल था तो लगभग 2 घंटे मैं लेट गई थी, क्योंकि पहला दिन सब कुछ करना पड़ता है, स्थापना वगैरह सारी चीज़ें एक जगह करनी पड़ती है, तो टाइम लग गया था। और एकम का व्रत भी मैंने इस बार पहली बार किया। वैसे अष्टमी जो है हर साल करती हूँ लेकिन एकम नहीं करती थी, तो इस बार मैंने एकम का भी व्रत किया हुआ है। बस 9 दिनों का तो नहीं, लेकिन एकम और अष्टमी करूँगी। और 2 बार से मैं अष्टमी को ही कन्या पूजन भी करती हूँ, लेकिन इस बार 11 को भी अष्टमी है, शायद 12 बजे दोपहर तक, उसके बाद नवमी होगा। तो सब लोग बोल रहे हैं इस बार अष्टमी को व्रत रखेंगे, जैसे कि 10 को व्रत रखेंगे हमारे अगल बगल के लोग, तो मैं भी उसी दिन रख लूँगी। और कन्या पूजन 11 तारीख को सुबह में कर लूँगी, क्योंकि उस दिन अष्टमी और नवमी दोनों हैं, तो थोड़ा इस बार ये बदलाव हो जाएगा। और शाम में दिया भी जलाने जाते हैं हमारे यहाँ देवी स्थान, तो शाम में भी नहा के दिया बाती जलाने जाती हूँ। आज है 7वां दिन, तो देखिए आज मैंने माता को गुड़ का भोग लगाया है। मतलब जितना ज़रूरी तो नहीं है कि आप दिन के हिसाब से भोग लगाएं, लेकिन अगर सामर्थ्य है कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, अच्छा लगता है माँ की सेवा करना, जितना बन पड़े उतना तो करना ही चाहिए। शाम में नहाती हूँ तो माता को भोग शाम में भी लगा देती हूँ, मिश्री या फिर बतासे वगैरह का, क्योंकि मिश्री बतासे तो माता को अधिक प्रिय हैं। और बस आरती की बुक है तो शाम में भी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद देवी स्थान जाती हूँ तो वहाँ भी दिया जला के आ जाती हूँ। इस तरह से सारे काम हमारे निपट रहे हैं और बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं नवरात्रि के, बहुत ही ये शुभ पावन दिन होता है। तो माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि।